Assalamualaikum John. So, आज हम एक टमी टक करने वाले हैं. You can see he has got a huge tummy. Otherwise, he's perfectly fine from this part, arms, thighs, everything is perfect. हमने इनको bariatric का भी option दिया था. He has seen the bariatric surgeon, but he was not willing to go for that surgery. So we plan his tummy tuck. और क्योंकि बहुत मोटा टमी है, सो इसमें एक बहुत ख़ास बात जिसका ख्याल रखना होता है, क्योंकि लैपोसक्शन करनी है कि कोई हर्निया नहीं छुपा हो. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप खाली पैल्पेशन पे बताएं कि हर्निया है कि नहीं है. सो देयरफॉर वी गेट हिज सिटी स्कैन्स डन. सिटी स्कैन्स के दो फायदे होते हैं. एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप डेफिनेटली हर्निया को रूल आउट हो जाता है, और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपको एज अ सर्जन आइडिया हो जाता है कि इसको कितना रिड्यूस किया जा सकता है. अगर आप इनका एब्डोमेन साइड से देखें, सो ये सारा पार्ट है जो कि आगे की तरफ आया हुआ है, और हमने इसको सॉर्ट आउट करना है. ऐसे लोगों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको उनको बतानी है सर्जरी से पहले, वो ये कि देयर इज़ अ चांस के एब्डोमेन का जो वूंड है उसमें कोई डिहेसेंस हो जाए. और अगर ऐसा हो गया तो 1.5-2 महीने तक इनको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी. ये कॉम्प्लिकेशन इतने मोटे लोगों में बता के उसका चांस है. तो हमारा आज का प्लान ये है, विल गिव अ ह्यूज इंसिजन विच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट एंड एट दिस पार्ट. और ये जो एरिया इसको हम लैपोसक्शन करेंगे, और एक मसल होता है रेक्टस, यहाँ पे हम उस रेक्टस को प्लाकेट करेंगे ताकि ये ऐसे भी रिड्यूस हो जाए और मज़ीद हम इस साइज को रिड्यूस कर सकें. ही हैज़ नो डिजीज, ही इज़ परफेक्टली ओके हेल्दी इंडिविजुअल. लेट मी शो हाउ वी मार्क इट. ओके, सो अब एक बात जो हमने ख्याल रखनी है कि यहाँ पे हमारा सारा इंटरकॉस्टल्स है, और ये जो ब्लड सप्लाई वाला जोन है, वो ये सारा ब्लड सप्लाई वाला जोन है हमारा, जो सारे एरिया को ब्लड सप्लाई दे रहा है. ठीक है, हमें इस एरिया में ना हम लैपोसक्शन करेंगे ना कोई और काम होगा हमारा. इसी तरह हम इस जोन को भी मार्क कर लेंगे. ठीक है, ये अगेन ब्लड सप्लाई यहाँ से आएगा, सो यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं होगा. ऊपर वाले एरिया का हम लैपोसेक्शन करेंगे, जो कि मेरा अपना ख्याल ये कि इस टर्मी को हम यहाँ तक कहीं रिडक्शन के लायक होंगे, कि ये सारा जो पीस है, हैंगिंग पीस है, ये सब एक्सेस है. इस टर्मी को बहुत ज़्यादा टाइट बन नहीं करना है, बस इतना टाइट बन करना है कि बोन अच्छे से हील हो जाए और शेप अच्छा आ जाए. इससे हमारा ऑलरेडी कमिटमेंट हुआ हुआ है. मैं ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ कि आई कांट गिव देम अ फ्लैट एब्डोमेन जो कि यहाँ पे एंड कर रहा हो. इट्स इम्पॉसिबल. सो आई ऑलवेज आस्क देम कि जी ये इससे बहुत बेहतर हो जाएगा, बट फ्लैट एब्डोमेन नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के इंट्रा एब्डोमिनल फैट्स भी होते हैं जिनको हम लैपोसक नहीं करते. ओके, ये वाली मार्किंग नॉर्मली जहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ये आप देखें. मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, सो इसमें लीज चांस है कि कोई डॉग हेयर बनेगा इनको. ओके, इसी तरह हम ये वाला पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है. सो इसमें भी लीज चांस है कि कोई डॉग हेयर बनेगा. इसको ज़रा सा उठाएंगे, आप अपने पेट को और उठाइए. सो इट्स टाइट एब्डोमेन बेसिकली. ये इनका ग्रोइंग का थेरीज है. ओके, ये सारी मार्किंग मैं बाद में भी कर सकता हूँ जब ये टेबल पे लेटे हुए होंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सारे मार्किंग करने में. ये मैंने यहाँ से मिला लिया, इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड करता हुआ ले जाऊँगा. ठीक है, और ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गई है. ठीक है, इसी तरह मैं इस लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड करता हुआ ले जाऊँगा. ये हमारा हिस्सा होगा जो कि हम निकालेंगे. बाकी आई एम क्वाइट होपफुल दैट ही विल हैव वेरी अनइवन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑपरेटिव.